हे गाइस, वेलकम टू मुकेश किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे। तो उसके लिए हमने 1 कप सूजी और 1/4 कप हमने लिया है तेल। आप रिफाइंड घी किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक परात में अपनी सूजी डाल लेंगे। तो सूजी को आपको पहले अच्छे से छान लेना है। तो यहाँ पे हमने सूजी को छान लिया है। तो चलिए अब हम इसका एक अच्छा सा डो बना लेते हैं, जिससे कि हम गोलगप्पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें ऑयल को गरम करके डालना है, जो भी रिफाइंड ऑयल आप यूज़ करें। तो अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको अच्छे से गूंद लेते हैं। इसमें आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं और इसको अच्छे से गूंद लें। आपको एक सॉफ्ट डो बनाना है गोलगप्पे के लिए। तो अब इसको हम अच्छे से इसका डो बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपको इसे पतला नहीं करना है, आपको एक सॉफ्ट डो बनाना है। तो देखिए, हमारा जो डो है वो बन चुका है। अब इसको थोड़ी देर हम रख देते हैं। तो देखिए, हमारा डो जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा और अच्छे से गूंद लेते हैं। डो जितना अच्छे से गूंदेगा, उसी से अच्छे गोलगप्पे बनेंगे। तो आपको इसी तरीके से अपना डो जो है वो गूंदना है। तो अभी हमारा डो बन गया है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। इसी तरीके से आपको छोटे छोटे बॉल्स बनानी है। जितने बड़े साइज आपको गोलगप्पे का करना है, उससे थोड़ा छोटा छोटी बॉल बनाएं। तो देखिए, आप शेप उनको अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आपको लंबे में देने, आप लंबे दे सकते हैं। आपको गोल बनाने हैं, आप गोल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनको ओवल शेप दे रहे हैं। और दूसरी साइड हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देते हैं गोलगप्पे। तो ये हमारे जो गोलगप्पे है, ये एकदम फूल गया, आप देख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये एकदम फूल रहे हैं। हमने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है और ईज़िली हमारे जो गोलगप्पे हैं वो एकदम फूल चुके हैं। ना हमने इनको प्रेस किया, ना कुछ किया, बस सीधा डाला कढ़ाई में और ये फूल के एकदम ऊपर आ गए। आप देखिए कितने अच्छे से सिक भी चुके हैं ये, और कलर भी इनका इतना अच्छा आ चुका है। एक दो गोलगप्पे ऐसे हो सकते हैं कि जो फूले ना, बट ऑलमोस्ट ज़्यादातर सब फूलते ही हैं। तो आप इस तरीके से गोलगप्पे बनाएंगे तो आपके गोलगप्पे भी बिल्कुल फूलेंगे इसी तरह। तो अब हमारे गोलगप्पे जो हैं वो दोनों साइड से सिक चुके हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमने दूसरे गोलगप्पे भी डाल दिए थे, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे गोलगप्पे का पानी, जिसके लिए हमने एक फ्राइंग पैन लिया है। उसमें हम डालेंगे जीरा, सौंफ, जिसको हमें अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पे हमने लिया है पुदीना, हरी मिर्च, हींग, जिसको हमने पानी में घोल लिया है। और इसमें हमने थोड़ी काली मिर्च डाल दी है, जिसमें हम अपने मसाले को भून रहे थे।
तो हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम ये जो हमने पुदीना लिया हुआ है, धनिया लिया है और कुछ हरी मिर्च हैं, इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें हमने अदरक भी डाल दी है और थोड़ा पानी डालेंगे। तो अब हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है जिसमें हम अपना ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डालेंगे। तो देखिए, जो हमें एक चटनी जैसी बनानी थी वो हमारी ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हमने डाल दिया है 1 कप इमली, जिसको हमने भिगो के रखा हुआ था, जिसका पल्प हमने निकाला हुआ था, जो कि हमारे पानी को एक खट्टा टेस्ट देगा। और हम इसमें डाल रहे हैं हींग का पानी, जो कि इसको एक अच्छा सा फ्लेवर देगा और एक अच्छी सी खुशबू देगा। और ये हमने डाल दिया इसमें काला नमक, और ये हम डालेंगे अब इसमें सफ़ेद नमक। ये आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको अगर खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इमली थोड़ा कम डालें, और नमक आपको कम या ज़्यादा जैसा भी पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पानी जो है ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने भूनकर पाउडर बनाया था, जीरा, काली मिर्च और सौंफ का, उसको हमने ग्राइंड कर लिया था, और हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे। हमारा पानी बनके तैयार हो चुका है। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।